was extremely excited because हाँ ये पहली बार है जब मैं कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म कर रही हूँ. हर साल मैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बस वेकेशन मनाती हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर. बट इस बार जब मुझे मौका मिला एंड दे टोल्ड मी दैट आई हैव टू परफॉर्म इन बॉम्बे, आई थिंक इट वॉज़ बेटर देन अ वेकेशन, क्योंकि इतने सारे लोगों को पहली बार मैं मिलूँगी और कंट्री क्लब जो है वो बहुत ही बड़ा फैमिली है. इनके पास इतने सारे लोग हैं, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितने सारे लोग कल आएंगे और उनके लिए मैं परफॉर्म करूँगी. सो आई थॉट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर मी. आई हैव अ फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम बोल बच्चन. दे आर फ्रेश, दे आर न्यू एंड यू नो दे आर वेरी पेपी, बहुत एनर्जेटिक है. सो yes, Bol Bachchan songs are definitely the top on the list. And there's also Pilu from Once Upon, along with a few mashups, you know, of the year's biggest hits. हम जब रिहर्स करते हैं तो हम अकेले होते हैं या सिर्फ डांसर्स के साथ होते हैं. अचानक इतने सारे लोगों को देखना, यू नो, इट कैन मेक यू ब्लैंक फॉर अ फ्यू सेकंड्स. बट हमें आई थिंक अब थोड़ी सी आदत हो चुकी है. और उसके अलावा जब आप इतने सारे लोगों को देखते हो और उनकी एनर्जी जो है वो इमीडिएटली आप कैच कर लेते हो. इट्स न्यू ईयर्स एंड लोग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे. सो यस, आई गेस दे आर जस्ट गोइंग टू हेल्प मी पंप अप अ लिटिल मोर एंड I'm going to just enjoy. That's a very tough question. I think I have a lot of favorites. Kareena Kapoor is definitely one of my favorites, and Hrithik Roshan.